Hello everybody, we'll be discussing fluid mechanics. In this lecture, we'll continue with the topic notches and wears. So far, we've discussed what are notches and wears, different types of notches along with their derivation and numerical problems, velocity of approach, discharge over a rectangular wear along with its numerical problem. So we'll continue to discuss a few more numericals based on discharge over a rectangular wear. So the first question is, a 30 meter long wear is divided into 10 equal bays by vertical posts, each 60 centimeter wide. Use Francis formula to determine the discharge over the wear under an effective head of 1 meter. So, मुझे क्या given है? Question में given है कि सबसे पहले तो हमें क्या use करना है? हमें Francis formula use करना है. तो ये important है. Francis formula use करना है. वैसे इस question में अगर उन्होंने नहीं भी mention किया होता तो भी हमें Francis formula ही use करना पड़ता. क्यों? अभी देखते हैं. Next, आपको wear का नहीं बताया गया है कि किस टाइप का wear है, तो हम इसको assume कर लेंगे कि ये कैसा wear है, rectangular wear. Length of the wear is given equal to 30 meters. तो 30 meters long wear है. अब एक important information दी गई है कि base में divided है आपका wear. तो कितनी base है? Number of base equal to 10. So number of bays is equal to 10. अब बोला गया है हर bay में जो post है, जो vertical post होगा, उसकी width given है आपको 60 centimeters. तो vertical post is 60 centimeter wide. ये important है कि कैसे आया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.6 meters wide. और head कितना given है आपको? Head is equal to 1 meters. तो सबसे पहले तो देखते हैं ये base से क्या मतलब है इनका, कि ये बोलते हैं कि आपके पास एक channel आ रही है जो काफी wide channel है. इस wide channel पे आपने एक wear place किया है. Wear place करने का मतलब है कि आपने एक wear draw बनाया है. अब उस wear को आपने इस तरीके से base में divide कर दिया है. और कितनी बेस हैं आपके पास? 10 बेस हैं. 10 बेस मतलब जैसे ये हो गया, ये बे 1 हो गई, ये बे 2 हो गई, ये बे 3 हो गई. अब इन बेस में हमें पता है कि हर जो ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी है? 30 मीटर्स. तो आपके पास 10 नंबर ऑफ बेस हैं और आपके पास हर एक जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट की थिकनेस, ये बीच में जो ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या बता रही है हमें? वर्टिकल पोस्ट. तो इन हर पोस्ट की थिकनेस कितनी है? 6.6 मीटर्स. तो हर पोस्ट 0.6 मीटर्स वाइड है. पानी क्या करेगा? पानी हर बे के थ्रू क्रॉस करेगा आपके वेयर के अक्रॉस. अब क्योंकि आपका ये जो वेयर है, ये हर बे में रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें क्या होंगी? एंड कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी ही आएंगी. सिंस द वेयर, तो यहाँ पे नोट करते हैं, सिंस द वेयर इज डिवाइडेड इनटू बेस, देयर विल बी एंड कॉन्ट्रैक्शंस. तो यहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते एंड कॉन्ट्रैक्शंस को. तो हमें इसको इसीलिए ये हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? फ्रांसिस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो फ्रांसिस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस कैलकुलेट करनी होगी. एन कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो हम नंबर ऑफ पोस्ट्स देखते हैं. यहाँ पे 10 बेस है, तो नंबर ऑफ पोस्ट. अब एक चीज जो हमें याद रखनी होगी, ये जो साइड के पोस्ट होते हैं, जो ये वाले पोस्ट हैं जिनको मैं डार्क बना रही हूँ, इनको बोला जाता है अबटमेंट. ये जो साइड के पोस्ट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अबटमेंट. अबटमेंट हमेशा हम साइड के जो पिलर्स होते हैं या पियर्स होते हैं, इनको बोलते हैं. सो दीज आर नोन एज अबटमेंट्स. अबटमेंट्स. और जो बीच में हमारे पास ये वाले पोस्ट हैं, इनको बोला जाता है, या तो आप इनको पियर्स बोल सकते हैं या फिर आप इनको पोस्ट्स बोल सकते हैं. सो ये जो इंटरनल पियर्स हैं, इनको हम पियर्स या फिर पोस्ट बोल सकते हैं. और ये साइड के जो हमारे पास वाइडर
पोस्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अबटमेंट्स। तो हमें पता है कि ये जो साइड के पोस्ट्स हैं ये कितने नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस कंट्रीब्यूट करेंगे, वन ईच। तो ये वाला जो एंड कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला जो अबटमेंट है, ये सिर्फ बे वन के लिए एज एन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्ट करेगा। वैसे ही जो ये वाला पोस्ट है या अबटमेंट है वो सिर्फ बे टेन के लिए एक एंड कॉन्ट्रैक्शन की तरह एक्ट करेगा। पर अगर आप इस पोस्ट की बात करते हैं तो ये बे नाइन के लिए भी एक्ट कर रहा है और बे टेन के लिए भी एक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस ये कितनी देगा, टू एंड कॉन्ट्रैक्शंस देगा। तो हमें एन कैसे कैलकुलेट करना होगा, पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट इज इक्वल टू टेन माइनस वन, या फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बेस माइनस वन, क्योंकि एक कम होगा। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें, अगर हम प्रैक्टिकली पोस्ट्स काउंट करने की कोशिश करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जितनी बेस होती हैं उनसे एक कम होते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब इंटरनल पोस्ट जो है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बेस कितनी है, टेन माइनस वन, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितने आ गए हमारे पास, नाइन। एंड कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू पोस्ट, एंड कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू पोस्ट कितनी हो जाएंगी, टू इंटू नंबर ऑफ पोस्ट, टू इंटू नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो टू इंटू नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो गया, टू इंटू नाइन विच इज इक्वल टू एटीन। एंड कॉन्ट्रैक्शंस ये थी ड्यू टू पोस्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस या नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू अबटमेंट्स, ड्यू टू अबटमेंट। एक अबटमेंट कितनी एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, सिर्फ वन, क्योंकि वो कितनी कितनी बेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सिर्फ एक बे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसकी वजह से कितनी होगी, वन। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वन इंटू नंबर ऑफ अबटमेंट्स, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ अबटमेंट्स हैं, टू, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, टू। तो टोटल एन, टोटल नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस एन ड्यू टू पोस्ट्स प्लस एन ड्यू टू अबटमेंट्स। एन ड्यू टू पोस्ट्स कितना है, 18, और एन ड्यू टू अबटमेंट्स कितना है, 2, तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 20। सो देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, टोटल 20। अब अगर मैं फ्रांसिस फॉर्मूला यूज करूं तो फ्रांसिस फॉर्मूला बोलता है क्यू इज इक्वल टू 2/3 सी डी एल माइनस 0.1 एन एच अंडर द रूट ऑफ 2g एच टू द पावर 3/2। सो हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 सी डी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो हम सी डी को कितना अज्यूम कर लेंगे, 0.623 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू एल, एल कितना है हमारे पास, अब एल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सिर्फ ये इफेक्टिव लेंथ ले सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ मतलब हमें ये पोस्ट्स जो हैं इनकी जो विड्थ है उसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये पोस्ट से ऊपर से पानी नहीं जा रहा है, तो ये पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन है, ये पानी के फ्लो को सब्स्टिट्यूट या हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इफेक्टिव लेंथ एल कितनी हो जाएगी, एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल लेंथ कितनी थी, 30, और हर पोस्ट की जो साइज है वो कितना है, 6.6 meters, और कितनी पोस्ट है हमारे पास, हमारे पास है 9 posts, सो 9 into 0.6। आई होप आपको समझ आया हो। टोटल लेंथ 30 थी और हर पोस्ट की विड्थ कितनी है, 0.6 meters, तो और कितनी पोस्ट्स हैं, 9 posts हैं। तो हम क्या करेंगे, L इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, 30 माइनस 0.6
6 into 9. So that gives me 24.6 meters. So L जो अब हम यूज करेंगे वो करेंगे L effective. So this is an important point. तो यहाँ पे मेरे पास L की बजाय क्या लिखूँ मैं यहाँ पे L effective. So L effective is 24.6 minus 0.1 into 20 into 1 whole into 1 to the power 3/2. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 41.584 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज. तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीका है. जस्ट हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है कि नंबर ऑफ पोस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एल इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना है. और जब आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट और अबटमेंट्स आ जाती हैं तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. वंस योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होना है. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. द कैचमेंट एरिया ऑफ अ टैंक इज 50 किलोमीटर स्क्वायर. द मैक्सिमम रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया इज 4 सेंटीमीटर्स पर आवर एंड 50% ऑफ द रेन वाटर रीचेस द टैंक. द वेस्ट वेयर इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ span 4 meters each. Determine the number of pairs if the depth of water over the weir is not more than 0.75 meters. Use Francis formula. Also calculate the length of the waste weir if width of each pair is 0.6 meters. तो ये एक बहुत lengthy question है but ये बहुत important question है. आपको क्या दिया गया है? Catchment area दिया गया है 50 किलोमीटर स्क्वायर. सो एरिया कितना गिवन है मुझे? 50 किलोमीटर स्क्वायर. 50 किलोमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर. फिर बोलता है द मैक्सिमम रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया इज 4 centimeters per hour. तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मतलब कितनी सेंटीमीटर हाइट की पानी कलेक्ट हो रही है इन अ गिवन टाइम. तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज 4 centimeter. हाइट ऑफ वाटर कितने टाइम में? पर आवर. तो 4 centimeters per hour इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? 4/100 meters per second में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 4/100 इंटू 1/60 × 60. This will convert it into meters per second. So I can write I is equal to 4/60 × 60 × 100 meters per second. 1.11 × 10⁻⁵ meters per second. अब मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है? मुझे डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा इस कैचमेंट से? इस कैचमेंट में कितना पानी आ रहा है? कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? इतनी वेलोसिटी से आ रहा है. कितने एरिया में आ रहा है? इतने एरिया में आ रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी हो सकता है. तो एरिया इंटू वेलोसिटी को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? कैचमेंट एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल into intensity of rainfall, which is 50 × 10⁻⁶ × 1.11 × 10⁻⁵. तो इसको q को हम लिख सकते हैं 5.56 meter cube per second. So this is the value of discharge. अब हमने देखना है आगे का पार्ट क्वेश्चन का. वो बोलता है एंड 50% ऑफ द रेन वाटर रीचेस द टैंक. ये तो आ गया टोटल डिस्चार्ज. अब टैंक के पास कितना जा रहा है? तो क्यू टैंक कितना हो जाएगा? क्यू टैंक इज 50% ऑफ क्यू. सो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 50/100 of 5.56 विच इज इक्वल टू 277.78 meter cube
per second. So this is Q tank. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्चार्ज इन द टैंक की वैल्यू आ गई. आगे बोलता है द वेस्ट वेयर इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ओपनिंग्स ईच ऑफ स्पैन 4 meters. तो आपको गिवन है कि एल की वैल्यू, जो एल ऑफ ईच बे है, ये हर बे की या हर ओपनिंग की लेंथ कितना है, उसका स्पैन कितना है, 4 meters. डिटर्मिन द नंबर ऑफ पेयर्स, हमें क्या डिटर्मिन करना है, नंबर ऑफ पेयर्स इफ द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द वेयर इज नॉट मोर देन 0.75 meters. मतलब आपको हेड कितना दे रखा है, वेयर के ऊपर हेड कितना होगा, 0.75 meters. डिस्चार्ज हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट वॉज इक्वल टू 277.78 meters per second. नेक्स्ट है, आपको दिया है यूज फ्रांसिस फॉर्मूला, और बोला गया है ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेस्ट वेयर इफ द विड्थ ऑफ ईच वेयर इज 0.6 meters. तो आपके पास क्या गिवन है, विड्थ ऑफ ईच पेयर, विड्थ ऑफ पेयर इज इक्वल टू 0.6 meters. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फ्रांसिस के फॉर्मूले से जो कोइंसाइड करता है, 2/3 CD अंडर द रूट ऑफ 2GL माइनस 0.1 N H, H टू द पावर 3/2. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि पहले तो कैलकुलेट, यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इफ द डेप्थ, ये हमें पता है, और क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द वेयर कैलकुलेट करना है. तो हमें पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करने हैं और साथ में लेंथ ऑफ द वेयर कैलकुलेट करना है, टोटल लेंथ ऑफ द वेयर निकालना है. इस तरीके से हमें एक वेयर दे रखा है और उसमें क्या है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स है, हमें नहीं पता कितनी ओपनिंग्स है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं, और हमें ये भी गिवन है साथ में कि हर ओपनिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, हर ओपनिंग की लेंथ है 4 meters. तो हर ओपनिंग अगर 4 meters की है और हमें दिख रहा है कि हर ओपनिंग के 2 edges हैं, तो नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस फॉर ईच ओपनिंग विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर ओपनिंग के लिए क्या दे रखा है, एक पोस्ट होगा दोनों साइड पे, तो हर ओपनिंग के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कितनी, एंड कॉन्ट्रैक्शंस इज इक्वल टू 2. सो एन इज इक्वल टू 2 फॉर ईच ओपनिंग या ईच बे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं डिस्चार्ज हर एक ओपनिंग के लिए. हर एक ओपनिंग के लिए डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, 2/3 इंटू 0.623 अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू एल. एल कितना आ जाएगा एक ओपनिंग के लिए, क्योंकि हम एक ओपनिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक ओपनिंग का कितना है 4, और एन कितना है हर ओपनिंग के लिए 2. सो आई कैन राइट 0.1 × 2 × H. H की वैल्यू गिवन है हमें 0.75 × 0.75 to the power 3/2. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास हर ओपनिंग के लिए डिस्चार्ज आता है 4.6 meters cubed per second. सो दिस इज क्यू ओपनिंग, हर ओपनिंग के लिए आपके पास इतना डिस्चार्ज है. अब हमें पता है कि टोटल डिस्चार्ज कितना है इस पूरे वेयर से, टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू 277.78 meters cubed per second. तो अगर एक ओपनिंग से इतना डिस्चार्ज आ रहा है, तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ ओपनिंग्स will be equal to total discharge upon discharge from one opening. यही हो जाएगी number of opening. Total discharge कितना है 277.78, और एक opening का discharge कितना है 4.6.
तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 60.4। अब 60.4 को आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1.4 की ओपनिंग बनाई, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और कितने ओपनिंग्स दे देंगे, 61 ओपनिंग्स या 61 बेस दे देंगे। अब जब आपने 61 बेस प्रोवाइड कर दी तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स विल बी इक्वल टू, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कितने पेयर्स होते हैं, जितनी ओपनिंग्स होती हैं उससे एक लेस पेयर होता है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओपनिंग्स हैं, तो पेयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस माइनस 1, माइनस 1। तो हमारे पास 61 बेस हैं और माइनस 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए, 60 पेयर्स आ गए, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कितने पेयर्स चाहिए हमें, 60 पेयर्स चाहिए। फिर बोला गया है L कैलकुलेट करने के लिए, तो L कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, L विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ ईच ओपनिंग, विड्थ ऑफ ईच ओपनिंग प्लस, या तो पहले नंबर ऑफ ओपनिंग्स इनटू नंबर ऑफ ओपनिंग्स प्लस हो जाएगा विड्थ ऑफ पेयर, ईच पेयर इनटू नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इनटू एक लेंथ कितनी, एक ओपनिंग की लेंथ कितनी है 4 मीटर्स, तो 4 इनटू नंबर ऑफ बेस कितने हैं हमारे पास 61, एक पेयर की विड्थ कितनी है 0.6 मीटर्स और कितने पेयर्स हैं हमारे पास 60, सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 280 मीटर्स। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वेयर, कितनी लेंथ वेयर लेंथ का वेयर है, 280 मीटर्स लेंथ का वेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वेयर अंडर अ ब्रिज ऑफ 8 इक्वल स्पैन्स हैज टू डिस्चार्ज मैक्सिमम फ्लड ऑफ 680 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अज्यूमिंग CD इज इक्वल टू 0.55 एंड मैक्सिमम अलाउबल डेप्थ ऑफ 2.7 मीटर्स, डिटरमिन द लेंथ ऑफ ईच स्पैन। सो हमें दे रखा है मैक्सिमम अलाउबल डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो का क्या मतलब हुआ, एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2.7 मीटर्स डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है CD की वैल्यू गिवन है 0.55, तो CD हमें पता है 0.55 मीटर्स। हमें गिवन है टोटल डिस्चार्ज कितना है जो वेयर से होना है 680 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द वेयर अंडर अ ब्रिज ऑफ 8 इक्वल स्पैन्स, अब नंबर ऑफ स्पैन्स भी दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ बेस बोल सकते हैं कितना है, इक्वल टू 8, नंबर ऑफ बेस हमारे पास है और मैक्सिमम फ्लड भी हमारे पास है 680 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें डिटरमिन करना है लेंथ ऑफ ईच स्पैन, मतलब लेंथ ऑफ ईच बे कैलकुलेट करनी है हमें कि कितनी होगी हर बे की लेंथ। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज पर ओपनिंग, हर ओपनिंग का कितना डिस्चार्ज है, सो हर बे का कितना डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज ओवर नंबर ऑफ बेस, टोटल डिस्चार्ज कितना है हमारे पास 680 मीटर क्यूब पर सेकेंड और नंबर ऑफ बेस कितनी है 8, तो हमारे पास पर बे का डिस्चार्ज कितना आता है 85 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर बे, एक बे से कितना पानी फ्लो करना है 85 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें पता है अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं फ्रांसिस का, तो फ्रांसिस का फॉर्मूला बोलता है 2/3 CD L माइनस 0.1 NH इंटू अंडर द रूट ऑफ 2G H टू द पावर 3/2। हमें पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बेस हैं तो नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस पर बे, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस पर बे कितनी हो जाएगी, पर बे एन की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास इक्वल टू 2, तो
जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हर बे के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 85 इंटू इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.55। एल हमें कैलकुलेट करना है तो एल हमारे पास अननोन है, माइनस 0.1 इंटू 2, हेड गिवन है हमें 2.7 मीटर्स इंटू 2.7 टू द पावर 3/2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81। सो ये वैल्यू है, हम लिख सकते हैं इसको 85 इज इक्वल टू 7.205 इंटू एल माइनस 0.54। सो ये कैलकुलेट होता है एल इक्वल टू 12.34 मीटर्स, 12.34 मीटर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें यही पूछा गया था कि डिटरमिन द लेंथ ऑफ ईच स्पैन। स्पैन को और क्या बोला जा सकता है, बे बोला जा सकता है या फिर ओपनिंग बोला जा सकता है। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अ डिस्चार्ज ऑफ 1500 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज टू पास ओवर अ रेक्टेंगुलर वेयर। द वेयर इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ओपनिंग्स ईच ऑफ स्पैन 7.5 मीटर्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 3 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ ओपनिंग्स नीडेड इन ऑर्डर टू In order the head of the water over the crest does not exceed 1.8 meters. So, मुझे क्या given है? मुझे given है कि total discharge Q total is equal to 1500 meter cube per second है. फिर मुझे given है length of each bay. So, length of each bay is equal to 7.5 meters. ठीक है, इनटू अ नंबर ऑफ ओपनिंग्स दिया है तो नंबर ऑफ बेज मुझे नहीं पता है, नंबर ऑफ बेज मुझे नहीं पता है। फिर बोलता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है 3 मीटर्स पर सेकंड गिवन है, और हेड कितना है पानी का, हेड है 1.8 मीटर्स। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ओपनिंग्स, मुझे यही कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ बेज कितनी होंगी। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दे दी है, तो जब आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दे दी है तो हमें फ्रांसिस फॉर्मूला को भी उसी तरीके से मॉडिफाई करना होगा। सो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एच ए, व्हाट इज एच ए, हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज वी ए स्क्वायर बाय 2g। वी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 which is equal to 0.459 meters. So this is the value of HA. अब next part है हमारे पास question में कि हमें number of bays calculate करनी है। Number of bays calculate करने के लिए हमारे पास total discharge तो है, पर हमें क्या calculate करना पड़ेगा, discharge per bay. तो per bay discharge calculate करने के लिए हम formula लिख सकते हैं 2/3 CD into under the root of 2G into L minus 0.1N into H plus HA। यहाँ पे ट्विस्ट है कि आपने जब आप हेड ले रहे हैं तो आपको कौन सा हेड इंक्लूड करना है, आपको हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी इंक्लूड करना है। सो H plus HA to the power of 3/2 minus HA to the power 3/2। So, यहाँ पे सबसे important part जो इस question में है वो यही formula है कि हम इस formula में क्या क्या consider कर रहे हैं और क्या क्या leave out कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये formula use करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम n calculate कर लेते हैं। हमें पता है फॉर एन कॉन्ट्रैक्शंस फॉर ईच बे, फॉर ईच बे एन कॉन्ट्रैक्शंस विल बी इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2। सो लेट्स कैलकुलेट क्यूब बे। सो 2/3 इंटू
अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 0.623। एल ऑफ द बे इज अननोन, सो मैंने इसको यहाँ पे एल ही रखा, सॉरी एल ऑफ द बे इज नोन विच इज इक्वल टू 7.5। तो 7.5 माइनस 0.1, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एच प्लस एच ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो एच ए हमारे पास है, एच हमारे पास 1.8 है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ एच प्लस एच ए इज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.459 विच इज इक्वल टू 2.259 मीटर्स। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ 2.259 टू द पावर 3/2 माइनस 0.459 टू द पावर 3/2। सो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है इक्वल टू 39.99 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो एक बे से कितना डिस्चार्ज आ रहा है हमारे पास, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज आ रहा है। हमें ढूंढना है नंबर ऑफ बेस, तो नंबर ऑफ बेस कितना हो सकता है, नंबर ऑफ बेस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज ओवर डिस्चार्ज फ्रॉम वन बे, सो दैट इज क्यू बे। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्चार्ज इज 1500 और एक बे का डिस्चार्ज कितना है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस गिव्स मी 37.5